हेलो एवरीवन, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन कुमार शर्मा। कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 4.4 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको बताया था। एक्सरसाइज 4.3 में 6 नंबर में जो क्वेश्चंस हैं और 7th नंबर में भी जो क्वेश्चंस हैं हमने आपको सॉल्व करके आने के लिए कहा था, बोले थे ना जी? तो बोलिए 6 नंबर में कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ है? एक्सरसाइज 4.3 में रेस्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है बोलिए कौन सा? 7 का 3 नंबर सॉल्व करें। ठीक है, समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न है ना जी। सबसे पहले हम प्रश्न लिख रहे हैं के माइनस वाई का दिहोल स्क्वायर और प्लस 2x-2y। ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन गलत दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? यह के नहीं होगा, के के जगह पर क्या होगा? एक्स होगा। के जगह पर क्या होगा? तो इसलिए सभी लोग के जगह पर एक्स बना लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हैव एनी प्रॉब्लम? तो कैसे सॉल्व होगा? यह x-y डी होल स्क्वायर जो कहते हैं रहने देते हैं और 2y इसमें क्या कॉमन है? देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हम लोग ले लिए, तो कोष्ट में क्या बच गया? x-y। कोष्ट में क्या बचा? x-y। तो अब ध्यान दीजिएगा, यह प्लस के बाद 2 x-y और प्लस के बाद x-y डी होल स्क्वायर दोनों अलग अलग टर्म हो गया, हुआ ना? अब दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, दोनों टर्म में। यह x-y डी होल स्क्वायर का यहाँ पे मतलब हुआ कि यहाँ x-y 2 है। x-y कितना है? 2 और इसमें x-y 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में एक जो कॉमन है x-y, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो अब इस x-y, ध्यान दीजिए x-y 2 है, इसमें पावर 2 है, गुना में है, तो x-y को बाहर कर लिए तो अब कितना बचा? x-y। और फिर इसमें क्या बचा? प्लस 2 एंड इट्स रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्या होगा? हैव एनी प्रॉब्लम? बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। कुंजन नहीं, समस्या है नहीं। अभिषेक नहीं, दिक्कत है आपको? रमजान ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन आप बोलिए इसमें, इस एक्सरसाइज में और कोई प्रश्न है आपका? नहीं है तो अब आगे बढ़े ना। तो एक्सरसाइज 4.4 में भी हमने एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और आगे बना करके आने के लिए बोला था। बोलिए आपको कौन नहीं बना है? एक नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और तो 1 नंबर हम सॉल्व कर दिए थे। और बोलिए 2 नंबर सॉल्व कर दे हैं अजीत बाबू आपसे। 2 का 1 नंबर, 1 नंबर में जितना प्रश्न है सब सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो 2 नंबर में हम सॉल्व करके बताते हैं। 1 का 2 नंबर आपसे क्यों नहीं बनाया? और लोग तो प्रयास किए हैं, बन गया है। तो हम 2 नंबर में अब आते हैं, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में बताएंगे। 2 नंबर में हम सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर, अब यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग 4.4 इसको इरेज कर दें जी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और एक्सरसाइज 4.4 लिखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 गौर कीजिएगा सभी लोग। यह 2 नंबर पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें।
निम्नलिखित का निम्नलिखित का निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या वर्क करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, यही ना है जी? जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो अचर पद है, अचर पद कौन है? अचर पद हम लोग उस टर्म को कहते हैं, उस पद को कहते हैं जिसके साथ कोई अलजेब्रिक टर्म नहीं लगा होता है। ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसमें थ्री कॉन्स्टेंट टर्म है, अचर पद क्या है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इधर हम लोग रफ करेंगे, क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे। और तीन का अगर गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, अचर पद जो है तीन का गुणनखंड, आप सभी लोग बताइए क्या होगा? तीन किससे किससे कट सकता है? वन से, माइनस वन से, और थ्री से, और माइनस थ्री से कटेगा। है वेरी प्रॉब्लम। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि यह जो एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसमें वन माइनस वन थ्री और माइनस थ्री रख करके जो एक्स का जगह है वहां पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, जो रखने पर जीरो आएगा तो फैक्टर थ्योरम से उस हिसाब से हम लोग एक गुणनखंड मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इमेजिन कीजिए सबसे पहले वन पर चेक, इसमें वन रखते हैं तो वन पर चेक करेंगे तो क्या होगा साक्षी? वन क्यू प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन प्लस थ्री होगा। तो इसको सो वन का क्यू कितना होगा? वन, और वन का स्क्वायर वन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू होगा, माइनस सिक्स प्लस थ्री होगा द वन टू थ्री, और थ्री थ्री क्या होगा? सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जो रखने पर जीरो आया, जैसे एक्स का क्या मान रखने पर जीरो आ गया? वन रखने पर। तो जब वन आया मान रखने पर जीरो, तो फैक्टर थ्योरम हमने आपको बताया था कि यदि पी एक्स, यदि बहुपद पी एक्स, यही ना बताया था जी, एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, ठीक है, तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए कोई क्या हो? वास्तविक संख्या हो, तो एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा जब पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स बराबर वन रखने पर इसका जो मान जो है एक्सप्रेशन का क्या आ गया? जीरो आ गया। या बहुपद है, बहुपद का वैल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया। एक्स बराबर कितना रखने पर? वन रखने पर जीरो आ गया। तो वन को जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स बराबर जब वन रखे तब जीरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा? एक्स माइनस वन होगा। क्या होगा? अगर चंदन बाबू अगर एक्स बराबर अगर माइनस वन रखने से इसका अगर गुणनखंड यदि जीरो, अगर इसका वैल्यू अगर जीरो आता तब उसका गुणनखंड क्या होता? एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस वन को हम लोग राइट लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा कि नहीं? अगर टू रखेंगे तो एक्स माइनस टू होता है। बेबी समझ में रहा है? अगर थ्री रखते तो एक्स माइनस थ्री होता है, अगर माइनस थ्री रखते तो क्या होता है? एक्स प्लस थ्री होता। तो अब हम लोग एक्स बराबर वन रखने पर ना आया जी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन, पी यानी कितना, मैंने इसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इसको पी एक्स हम लोग सपोज कर सकते हैं, है एनी प्रॉब्लम? तो मतलब पी वन बराबर जीरो, पी वन बराबर जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक्स माइनस वन, अभी हम लोग बात किए थे एक्स माइनस वन का, एक्स माइनस वन दिए गए बहुपद का क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद का एक
गुणनखंड होगा। इसलिए x माइनस वन दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। है वे नहीं प्रॉब्लम चंदन? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 पी एक्स मान दिए। तो इसलिए x माइनस वन दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक। यह कौन थ्योरम कहता है, बगल में लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से। सब प्रश्न में यह लिखने की जरूरत नहीं है, यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कौन प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम से। हैव एनी प्रॉब्लम? तो अभी हम लोग प्रश्न संख्या एक में चर्चा किए थे कि एक जब गुणनखंड जब हो रहा था तो सब टर्म में शामिल होता था। तो जब x माइनस वन दिए गए बहुपद के गुणनखंड होगा तो x माइनस वन सब टर्म में शामिल होगा, होगा ना जी। तो हम लोग एक लाइन क्या करेंगे कि बराबर छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और निचले वाले लाइन से हम लोग लिखेंगे x माइनस वन, हम लोग लिख लिए, लिखे। अब सपोज करो x में कितना से गुना करेंगे कि फिर यह आएगा x x स्क्वायर से, तो यहाँ पे x स्क्वायर गुना करके लिखते जाएंगे तो x क्यूब होगा माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? एक हम लोग फैक्टर खोज लिए हैं बहुपद का x माइनस वन, तो और मालूम कर सकते हैं कि नहीं? एक नंबर हिसाब जैसा हो गया। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो विनोद बाबू यहाँ पे कितना लिखना होगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, कितना लिखना होगा? तो प्लस, हम लोग प्लस साइन चूज कर लिए, यहाँ पे एक्स माइनस वन हुआ हुआ। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि कितना रखेंगे कि प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस थ्री एक्स रखेंगे। तो गुना करके लिखो, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आया, आया प्लस माइनस थ्री एक्स आया। लेकिन प्रश्न में कितना है अजीत बाबू, माइनस सिक्स एक्स है, कितना है प्लस, तो कितना वर्क करना होगा यहाँ पे, माइनस थ्री एक्स। तो माइनस यहाँ पे साइन चूज कर लिए और यहाँ पे एक्स माइनस वन कोस्ट में लिख दिए, तो यहाँ पे कितना रखना होगा, माइनस थ्री। तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चंदन समझ में रहा है जी सर? तो अब देखिए फिर हिसाब को मिलाइए, आ रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ गया। अब इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर का वर्क करेंगे तो प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा निशा? तुमको समझ में रहा है? अब यहाँ तक मिला, यहाँ माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स, माइनस सिक्स एक्स होगा और प्लस थ्री का प्लस थ्री, साहिब है एनी प्रॉब्लम? तो अब देखिए सब में एक्स माइनस वन सब में मिल गया जी, सब में एक्स माइनस वन मिल गया। तो एक्स माइनस वन को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और उसके बाद जो बच गया उसको लिख लेंगे। इसमें क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचा है प्लस थ्री एक्स, इसमें क्या बचा माइनस थ्री एक्स। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, यह जो कोस्ट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसको और हम लोग फैक्टराइज माने इसका फैक्टर नहीं निकल सकता है। आगे के क्लास में आपको पढ़ना है कि क्यों नहीं फैक्टर निकलेगा, ठीक है? रियल फैक्टर हमें मालूम करना है। तो यह टूटने वाला नहीं है, माइनस थ्री में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। और थ्री एक्स को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं इस प्रकार से कि जोड़ने चाहे घटाने पर थ्री एक्स ही रहे और गुना करने पर भी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इसको और हम लोग नहीं तोड़ेंगे, आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर दिया है जी, दिया है ना? तो ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। बोलिए कहाँ नहीं समझ में आया? जो तीन के, जो तीन के सर, तीन क्या क्या चीज से कटेगा बताइए, तीन क्या क्या, एक से कटेगा, माइनस वन से कटेगा
और 3 से कटेगा माइनस 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं जी। तो सब पर हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से कि कौन सा मान x के जगह पर रखने पर जीरो आ रहा है जी, समझ में रहा है जी सर। तो मान लीजिए कि जितना जल्दी मिल जाए कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना होगा, जैसे हम 1 पर चेक किए तो 1 पर ही 0 के बराबर मिल गया। इमेजिन कीजिए यदि 1 पर नहीं मिलता, 1 पर तो हम लोग माइनस 1 पर देखते, किस पर देखते, माइनस 1 पर भी नहीं मिलता तो 3 पर देखते, 3 पर भी नहीं मिलता तो माइनस 3 पर देखते, किसी ना किसी पर जरूर 0 के बराबर होगा, किसी ना किसी वैल्यू पर जरूर 0 के बराबर हो जाएगा px का वैल्यू, ठीक है। तो उसी पर जैसे मान लीजिए कि हम पहले ही आपको बताया कि अगर 3 पर अगर 0 होता तो x माइनस 3 गुणनखंड होता, ठीक है, अगर माइनस 3 पर होता तो x प्लस 3 गुणनखंड होता। आ रहा है समझ में, दिया आसान, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग सॉल्व करके दिखा दीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर ही सॉल्व करके दिखा दीजिए, मिटा दे इसको। दो नंबर सॉल्व कीजिए, एक आदमी को हम यहाँ पे बुला रहे हैं, कौन आएंगे बोलिए, कौन आएंगे यहाँ पे बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए, स्वेच्छा से आ जाइए, स्वेच्छा से आइए। तो 2 का 2 नंबर सॉल्व करना है, बॉयज को बुलाते हैं। प्रश्न पहले हम लोग लिखते हैं x³ - 7x+, सबसे पहले इसको हम लोग px सपोज कर लेंगे, क्या करेंगे जी, px सपोज कर लेंगे। इसका हमें फैक्टर निकालना है, कैसे फैक्टर हम लोग करेंगे, आ जाओ अली हसन तुम ही आओ, लिखो सॉल्यूशन लिखो, हाँ सबसे पहले क्या वर्क होगा बोलिए, हम लोग सबसे पहले सपोज करेंगे, लिखिए लेट px इज इक्वल टू क्या होगा, जो दिया हुआ है उसी को लिखो, x³ - 7x+6। अब उधर रफ के लिए वर्क स्पेस बनाइए, तो 6 एरो मार्क दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 का वहां पे फैक्टर आप सभी लोग बताइए क्या होगा, प्लस माइनस लिखिए ना, ऐसे दोनों लिखिए प्लस माइनस 1, ऊपर प्लस लिखो, प्लस प्लस माइनस नहीं लिखने आ रहा है, दोनों होगा कि नहीं, एक में हम लोग मिला करके लिख दे रहे हैं, जैसे क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मैंने प्लसो हुई 1 माइनसो हुई, एक में मिला करके अलग अलग लिखने से प्लस माइनस 3 और क्या होगा प्लस माइनस 6, इतना ही ना होगा। तो 2 लिखे नहीं है, देखिए ना। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे, ऐसे भी पहले सोचेंगे, सब पर नहीं चेक करेंगे, मैंने कॉमन सेंस लगा करके कि 1 अगर हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, तो 1 का कि 1 आएगा, 1 6 7 हो जाएगा, होगा या 7 × 1 यानी 1 पर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ में रहा है। तो आप डायरेक्ट जैसे लिख सकते हैं, या लिखो 1 का क्यू लिखो, 1 का क्यू माइनस क्या होगा, माइनस 7 × 1 प्लस 6, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 1 - 7 प्लस क्या होगा 6, तो क्या उसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 7 - 7 माइनस 7 प्लस 7 जैसे लिख सकते, क्रॉस कर दो बराबर क्या होगा 0 आ गया जी। तो कितना वैल्यू हम लोग एक्स का रखे के 0 आ गया, 1। तो यहाँ पे नीचे इधर लिखो, इधर लिखो ना यहाँ, तो चूंकि क्या लिखोगे, सिंस पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, पी कोस्ट में 1 लगाइए इज इक्वल टू 0, तो इसलिए
एक्स माइनस वन वन रखे तो वन रखे तो वन के साथ माइनस लगा देंगे, इसलिए एक्स माइनस वन कमा दीजिए दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कितना हम लोग रखे थे, वन रखे थे तो साक्षी क्या होगा, माइनस माने एक्स माइनस वन वाला बात होगा। फैक्टर थ्योरम कहता है ऐसे, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड, एक जरूर लिखिए का, यहाँ पे क्या लिख दो का एक गुणनखंड होगा। कोई पूछेगा कि कौन नियम से होगा, किस नियम से, तो गुणनखंड प्रमेय से अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो चेक करेंगे वो खुद समझदार होते हैं, ठीक है। तो अब एक्स में अब यहाँ पे लिखिए, अब इक्वल टू दीजिए, हाँ अब एक लाइन छोड़ दीजिए, नीचे वाले बराबर से लिखिए। अब बोलिए क्या वर्क होगा, एक्स माइनस वन सब में दर्शाना होगा ना, तो एक्स माइनस वन हुआ, ठीक है, कोष्ट में लगाओ एक्स माइनस वन, इतना लाना है आपको, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि एक्स एक्स एक्सेस कर लिखो बगल में, गुना करके ऊपर लिखते जाओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोगों का प्रश्न है उसमें एक्स स्क्वायर की कहीं चर्चा नहीं है जी, है चंदन बाबू, तो यह एक अलग से आ गया, इसलिए इसको कटाना होगा, इसलिए इसको क्या होगा, तो इसके बगल में प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसका प्लस में माने लिखना है, तो प्लस यहाँ पे साइन सेलेक्ट करो प्लस, आ इधर एक्स माइनस वन लिखो। अब बोलो यहाँ पे तो प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लाने का निर्णय किए हैं कि कैसे लाएंगे, तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स लिखो, तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स वाला बात है लेकिन माइनस एक्स नहीं, हम लोगों को माइनस सेवन एक्स चाहिए, तो बगल में कितना लाना होगा, माइनस सिक्स एक्स, यानी माइनस में यहाँ पे लाना होगा, तो माइनस चिन्ह सेलेक्ट करो, ऐसा ही साइन सेलेक्ट करेंगे, हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा कि आ जाएगा माइनस माइनस, हाँ लिखिए सिक्स लिखिए, तो क्या होगा माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स, देखो चंदन अब सब आ गया ऊपर वाला हिसाब, सब कट छट के बराबर आ जाएगा जी। ध्यान रहे कि हम लोग उसी हिसाब को घुमा फिरा करके लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए अब सब में एक्स माइनस वन मिल जाएगा, देखो सब में एक्स माइनस वन कॉमन है, तो सब में एक्स माइनस वन निकाल दीजिए, सबसे बाहर निकाल लीजिए एक्स माइनस वन, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। हम लोग बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि ठीक से समझ में आ जाए। यदि एक क्वेश्चन आप ठीक से समझिएगा तो और कोई भी क्वेश्चन इस पर आधारित होगा उसको बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो अब या इसको देखो तोड़ सकते हैं, वेक्टर जो टूटने वाला उसको तोड़ सकते हैं, या माइन तो इसको तोड़ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट यूज करो मझला कोष, तो बेबी बताइए एक्स स्क्वायर में माइनस छ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस छ एक्स स्क्वायर, एक्स माने एक आना चाहिए, तो तीन में से दो जाइए कितना, तो क्या उसको लिखोगे थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, हाँ प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, माइनस क्या होगा सिक्स होगा। उधर मझला कोष लगाओ, इधर नहीं लिखो उधर लिखो, इधर लाइन पार दो एक। अब यह एक्स माइनस वन को लिखते जाइए, एक्स माइनस वन, ठीक है। इधर क्या, इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, हाँ एक्स कॉमन लो, सब लोग समझ रहे हैं ना जी। प्लस क्या होगा थ्री, इसमें क्या कॉमन है माइनस टू, माइनस टू कॉमन लो, माइनस टू इंटू एक्स प्लस, उधर मझला कोष लगाइए, भूल जा रहे हैं बार बार। अब क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन, उसको अगल बगल लिख दो,
आंसर मैच कीजिए, यही है ना आंसर। बहुत अच्छा, देखिए ये सब इधर जब हम लोग रफ वर्क करेंगे तो या तो हिंदी में यहाँ पे लिख देना रफ, इधर क्या लिखिएगा, चाहे अंग्रेजी में आर यू जी एच लिख सकते हैं रफ, चाहे हिंदी में। इधर हम लोग रफ करके चेक किए हैं कि किस पर जीरो के बराबर हो जाएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू, हैव एनी प्रॉब्लम? तो और सबको आ गया समझ में? तो खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन देखिए सब एक ही जैसा है, और इसमें देखिए सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो दो नंबर में कुल जैसे 12 प्रॉब्लम है, माने 12 नंबर तक क्वेश्चन है। तो और 10 मिनट का समय है, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी कठिन लगे उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछिए तो 12 नंबर तक। और सब आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं कि होमवर्क में करके आइएगा। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर सॉल्व कर दे, ठीक है। 7 नंबर इसको इरेज कर रहे हैं, दो का एक 7 नंबर हम प्रश्न सॉल्व कर दे रहे हैं, जो बच जाएगा उसको आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। दो का 7 नंबर, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, दो का 7 नंबर, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 8x² प्लस 17x - 10, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इधर एक लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे रफ, R-U-G-H, रफ, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जैसा कि 10 है, तो 10 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड जैसे फैक्टर सपोज करेंगे, क्या होगा +-1, प्लस दोनों से चेक करेंगे, और प्लस माइनस क्या होगा 5 एंड +-10, ठीक नहीं है। अब अपने से पहले सपोज जैसे करेंगे, जल्दी इधर जब एक्सपर्ट आप हो जाइएगा तो रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मालूम चल जाए कि क्या रखने पर जीरो हो रहा है, तो इधर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे इमेजिन करो अगर 1 रखते हैं तो यह जैसे हो जाएगा 1, एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा 1, अगर 1 रखते हैं तो यह 1 का क्यूब होगा, और -8 × 1² और +17 × 1 और -10 आएगा, 1 पर पहले चेक कर रहे हैं, तो यह क्या मिला 1 - 8 + 17 - 10। तो इसको सॉल्व करो, सब आ जाना, देखो यह 10, 8, 18 होगा, माइनस तो यह -17 + 17 होगा कि नहीं, जी, इसका मतलब किसमें आ गया, जाओ 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, तो 1 पर यह 0 के बराबर आ गया, 1 पर किसके बराबर आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे, और सपोज करेंगे कि लेट P(x) = (x³ - 8x² + 17x - 10), साफ साफ लिखेंगे -10। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P(1) = 0, P(1) = 0, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x - 1 पर हम लोग रखते हैं, x पर कितने पर हम लोग सपोज किए हैं, x = 1 पर हम लोग जांच किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए x - 1 दिए गए बहुपद का क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद का, बहुपद का एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, या है भी लिख सकते हैं, गुणनखंड होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, किस नियम से,
गुणनखंड परमेश्वर, परमेय को हम लोग साध्य भी कहते हैं, आप गुणनखंड साध्य भी कह सकते हैं, हैव एनी प्रॉब्लम? अब जब एक्स माइनस वन इसका जब गुणनखंड हम लोग मालूम कर लिए, तो यह एक्स माइनस वन को हम लोग सभी टर्म में दिखाएंगे, या एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है मुना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि x क्यों आएगा, एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखे जी, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब गुना करके लिखते जाओ, यहाँ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें प्रश्न में कितना दिया गया है, माइनस एट एक्स स्क्वायर, तो कितना चाहिए, माइनस एट एक्स स्क्वायर, माइनस वाला बात चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस हम लोग चिन्ह सेलेक्ट कर लिए, और यह कोष्ट में एक्स माइनस वन हो गया, कितना रखेंगे यहाँ पे, माइनस सेवन एक्स, तो यह विनोद बाबू कितना जाएगा, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स होगा, ठीक है। और देखिए, लेकिन हमें प्लस में चाहिए कितना, सेवेंटीन एक्स, यानी प्लस दस एक्स और लिखना होगा, तो प्लस लिखना होगा, तो प्लस लिख दिया दस इंटू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, दस। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अब हम लोग एक बार अंदर वाले टर्म पर लिखेंगे और एक बार बाहर वाले, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस दस, इसका फैक्टर निकलेगा कि नहीं चंदन, निकल जाएगा, पाँच और दो, पाँच दो सात होता है, पाँच दो ना दस होता है, माइनस पाँच, गुड। तो यह एक्स माइनस वन हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस दस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस वन, आ इसमें कॉमन क्या मिलेगा बताओ, दो दो का हम लोग कलेक्शन करेंगे, तो यह एक्स माइनस फाइव माइनस क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स माइनस फाइव। अब एक बार हम लोग अंदर वाले टर्म को, यानी एक्स माइनस टू इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस फाइव, एंड इट्स रिक्वायरमेंट, सब देखिए तो यह दिया है। बोलिए, नहीं दिया है, दिया है, एक्स माइनस वन जी सर, दिया है ना, तो ठीक है। और सब जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करके आइएगा, हमारा होमवर्क रह रहा है कि दो नंबर में जितना क्वेश्चन दिया गया है, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, उसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।